अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति जगत की बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारी में जुट गई है समाजवादी पार्टी, अलग अलग जिलों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं अखिलेश यादव। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से और देश से सफाया। बस 2024 के लिए यही लक्ष्य लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकल चुके हैं, कभी लखीमपुर तो कभी सीतापुर। लगभग हर दूसरे दिन अखिलेश एक नए जनपद के दौरे पर होते हैं, वहां कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जटिलताओं को समझते हैं। अखिलेश के इस रुख को देखकर कहा जाने लगा है कि यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा 2024 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में लग गई है। दरअसल हर बार ये बात देखी गई है कि समाजवादी पार्टी अपना चुनावी अभियान कुछ देर से शुरू करती है और इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है, क्योंकि जब तक अखिलेश लोगों के बीच पहुंचते हैं तब तक चुनाव के लिहाज से देर हो चुकी होती है। हालांकि इस बार अखिलेश की एक्टिवनेस को देखकर लग रहा है कि वो ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहते, इसी वजह से जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दिखने की ठान चुके हैं और जमकर बीजेपी पर हमलावर भी हैं। पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? जो बुनियादी सवाल वो आज वही है, किसान परेशान है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और सरकार लगातार टिफिन इवेंट, अरे ये टिफिन तो वो होते हैं जो बच्चे लेकर के चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो टिफिन कार्यक्रम है, ये टिफिन कार्यक्रम क्या है? आप बच्चों को खाना नहीं दे रहे, बच्चों को ड्रेस नहीं दे रहे, बच्चों को जूता नहीं दे रहे, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हो और खुद टिफिन खा रहे हो। जो सरकार खुद टिफिन खाए, बच्चों को खाना ना दे, वो क्या उम्मीद करोगे कि बच्चों के भविष्य को बेहतर करेगी? 2024 में भले ही अभी एक साल का वक्त हो, लेकिन अखिलेश अभी से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गए हैं। कभी लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर वो जिले भर से आए प्रभारियों के साथ मीटिंग करते हैं, तो कभी खुद दौरे पर निकल जाते हैं। हाल ही में अखिलेश लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां प्रशिक्षण शिविर के जरिए 2024 का शंखनाद किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तो पहुंचे ही, साथ ही सपा के बड़े चेहरे नरेश उत्तम पटेल और शिवपाल सिंह यादव समेत खुद अखिलेश भी पहुंचे। और लखीमपुर खीरी पहुंचते ही अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे ताकि बीजेपी से टक्कर ली जा सके। ट्रिपल इंजन का सपना वो दिखा रहे थे, आपने देख लिया ना, ट्रिपल इंजन भिड़ गए। और इसी तरह शासन प्रशासन बीजेपी के लोग जनता एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, आपने देखा नहीं इनके सांसद क्या कर रहे हैं? इनके सांसद पुलिस को पीट रहे हैं, इनके सांसद दबाव बना करके जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए वो भागे फिर रहे हैं और सरकार अपराधियों को बचा रही है। ये तो सरकार चल रही है। सर, लखीमपुर क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति करना चाहते हैं क्या? शुरू कर रहे हैं आप? चीनी मिलों के बारे में जाना जाता था, यहाँ की मिठास, यहाँ के गन्ने के बारे में जाना जाता। एक समय आया कि किसानों पे धार चली, वो उसलिए लखीमपुर जाना गया। क्या जो किसान मारे गए क्या उन्हें न्याय मिल गया? क्या किसान को भरोसा है कि बीजेपी की सरकार में उनकी आमदनी बढ़ेगी, दोगुनी होगी? ये सब चीजें सामने हैं और मुझे उम्मीद है।